हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गो स्टडी विद साक्षी। सो गाइस, हमारी पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया मेथड्स टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस, या फिर कहें पॉलिनोमियल और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, राइट। जिसमें हमने डिस्कस किए थे बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड एंड न्यूटन रैफसन मेथड। सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात करें लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। वो इक्वेशंस जिनमें कोई डिग्री या फिर जो है पावर यूज नहीं होती। तो सिंपली जो इक्वेशंस होती हैं लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज हमारी ये सिंपल क्या है, लीनियर इक्वेशन है। एंड जब दो या तीन इक्वेशंस को इकट्ठी लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस को, दैट बिकम्स द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उस सिस्टम को बोलते हैं सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये एक डायरेक्ट मेथड है लीनियर इक्वेशंस के सेट को सॉल्व करने का। ये सबसे फास्ट एंड ईजिएस्ट मेथड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करने का। दिस मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ट्रायंगुलराइजेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात करें ट्रायंगुलराइजेशन। ये एक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं इस मेथड को इजीली रिमेम्बर करने के लिए या फिर समझने के लिए। तो जो ट्रिक कहती है वो है क्या, जैसे सपोज आपको तीन इक्वेशंस गिवन है, राइट, विद एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल, तीनों में ये वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशंस में से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे x के साथ उसके कॉफिशियंट, जो सबसे बड़ा कॉफिशियंट होगा x का वो हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड देन y का जो दो बची हुई रिमेनिंग इक्वेशंस में से y का जो बड़ा है वो सेकंड, एंड देन जो लास्ट बची इक्वेशन वो बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, ठीक है। तो जिसमें x, y और z वेरिएबल्स हैं। ट्रायंगुलराइजेशन में होता क्या है, हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ट्रायंगुलराइज करेंगे, मतलब कि अलग अलग स्टेजेस में हम वेरिएबल्स को जो है वो रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इक्वेशंस में से, ताकि एक ट्रायंगुलर फॉर्म हमें मिल जाए, ठीक है। तो जैसे अब स्टेज वन है, इसमें से हमने ये तीन इक्वेशंस में से सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में से x को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे जो x था वो क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट। ये कैसे करते हैं, ये अभी आपको जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब पता चलेगा। तो जब हमने x को दो इस एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो हमारा जो सेट हमें मिला इक्वेशंस का वो क्या बन गया, लाइक दिस। x हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज टू में हमने क्या किया, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन हमने एलिमिनेट कर दिया y को, तो यहां से जो y था वो एलिमिनेट हो गया। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ये तीन इक्वेशंस का सेट है तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है इक्वेशंस की, जब x यहाँ पे दो जीरो हो गए एंड यहाँ पे एक y जीरो, राइट। तो दिस इज ट्रायंगुलराइजेशन। ये कैसे करना है पूरे एग्जाम्पल में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। या फिर अगर बात करें, आपके पास इक्वेशन है चार तरह की, चार वेरिएबल्स वाली, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में हम पहले तीनों x एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, देन सेकंड स्टेज में हम y एलिमिनेट करेंगे दो y फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, एंड देन लास्ट स्टेज में हम z को एलिमिनेट करेंगे, जहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, एक x की वैल्यू मिलेगी, देन वी विल पुट दैट वैल्यू इन अदर इक्वेशन, वहां से हम बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे। इस मेथड को कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बैक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं, हम एक सिंपली जो लास्ट वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आएगी उसको सेकंड लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी, देन उसको फर्स्ट में पुट करेंगे, हमारे पास सारे तीनों वेरिएबल्स की, जितने भी वेरिएबल्स हैं सपोज x, y एंड z, उनकी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो ये थी हमारी गॉस एलिमिनेशन की एक ट्रिक, जिसको आप अच्छे से याद करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो गाइज, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे सॉल्व हमारा एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। एक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इन तीनों इक्वेशंस को बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को चूज कर लेते हैं, कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड एंड कौन सी थर्ड। तो आप देखें, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं तीन, वो कौन से हैं, x1, x2 एंड x3, राइट, x, y, z या कोई और वेरिएबल नहीं है यहाँ पे।
तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को चूज करेंगे, सब एक्स वन के कॉफिशियंट देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉफिशियंट कौन सा है, थ्री, ये वन, ये थ्री, ये टू, थ्री, तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज आर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ एक्स टू के कॉफिशियंट, ये इक्वेशन तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि बिकॉज इट इज फर्स्ट, इसमें से और इसमें से x का, x2 का कॉफिशियंट बड़ा है 4, दैट मीन्स दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. तो अब हमारी इक्वेशन चूज हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो सबसे पहले अब आती है हमारी बारी किसकी, ट्रायंगुलराइजेशन. हम क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रायंगुलराइजेशन. प्लीज ध्यान से देखिए वीडियो को, आपको पूरा क्वेश्चन इजीली पता लगेगा क्या किया हमने. सबसे पहले हम क्या करेंगे इस स्टेज वन में, सबसे पहले हमारी बात आई किसकी, स्टेज वन. ओके, स्टेज वन, स्टेज वन में हमने क्या करना है, एलिमिनेट एक्स वन, हमने x1 को या दो x1 को यहां से एलिमिनेट करना है, x1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, राइट. ये हम करेंगे हमारी फर्स्ट स्टेज में. तो उसके लिए हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको बनाकर रख लेते हैं, वन डैश, राइट. तो 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन हमारी बन गई. इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे हम वन डैश से, राइट. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी सबसे पहले क्या करेंगे, वन डैश और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे एंड देन सिमिलरली वन डैश और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे. तो सबसे पहले इक्वेट वन डैश एंड सेकंड इक्वेशन, ये करेंगे यहाँ पे. इक्वेट करने के लिए हमें पता है हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो हमें, सॉरी कॉफिशियंट्स जो हैं वो हमें इक्वल चाहिए x1 के, ताकि एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे नाइन्थ एंड टेंथ क्लास में, तो उसी मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो वन डैश है हमारी 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 18, और टू है हमारी x1 प्लस 4x2 प्लस 9x3 इज इक्वल टू 16. तो यहाँ पे x1 का जो कॉफिशियंट है वो सेम होना चाहिए, दैट मीन्स जो हमारी सेकंड इक्वेशन है x1 प्लस 4x2 प्लस 9x3 इज इक्वल टू 16, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि हमारे जो वेरिएबल कॉफिशियंट है वो सेम जाए. तो ये बन गई 3x1 प्लस 12x2 प्लस 27x3 इज इक्वल टू 48, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन. ओके, ये है ना हमारी सेकंड इक्वेशन, तो हमारी ये बन गई. अब हम इसको और इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे यहाँ पे, राइट. तो बाय एलिमिनेशन मेथड मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगी. तो 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 18 एंड 3x1 प्लस 12x2 प्लस 27x3 इज इक्वल टू 48. अब आपको पता है साइन चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, प्लस माइनस, माइनस एंड माइनस, राइट. तो दिस एंड दिस कट, तो यहाँ पे क्या बन गया, जीरो. दैट मीन्स कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पे इस मेथड में कुछ नहीं मेंशन करना, यहाँ पे जीरो एक्स वन और नथिंग लाइक दैट. ओके, सो प्लस माइनस इज माइनस, माइनस टेन एक्स टू, प्लस माइनस माइनस, 27 माइनस थ्री इज 24, माइनस 24 एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 30. ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन टू डैश. इस इक्वेशन को क्या हम बोलेंगे, टू डैश. ओके, सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इक्वेट, नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेट वन डैश एंड थ्री. ठीक है, तो हमारी वन डैश तो यही है, थ्री क्या है हमारी, टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू 10.
तो अब आप देखें यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 चाहिए कोफिशियंट एक्स का, ताकि वो कट आउट हो जाए, मतलब 3 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो ये बना 6x1 + 6x2 + 6x3 = 30। ठीक है, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। पर आप देखिए जो 1- इक्वेशन थी, ठीक है, 1- इक्वेशन वहां पे भी 3 है, तो उसको भी चेंज करेंगे, 3x1 + 2x2 + 3x3 = 18। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ताकि मतलब इन दोनों के कॉफिशियंट को ओपोजिट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 वाले को 3 से एंड 3 वाले को 2 से, ताकि यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, 6x1 + 4x2 + 6x3 = 36। ये है हमारी अब 1- इक्वेशन। अब 1- ये है, राइट। अब फिर से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट, 6x1 + 4x2 + 6x3 = 36 एंड दूसरी है 6x1 + 6x2 + 6x3 = 30। साइन माइनस 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 एंड माइनस, सेम जो हमने पीछे किया, ठीक है। दिस कट प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 2x2 + -, सॉरी यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, यहाँ पे हम 3x3 के साथ करेंगे तो 3x3 एंड 3 को x2 के साथ करेंगे तो 3x2 आना चाहिए, 3x2, राइट। तो यहाँ पे हमारा बना 6x1 + 3x2 + 3x3, ठीक है। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो 4 - 3 = 1x2, इट बिकम्स x2, 6 - 3 = 3, तो +3x3 = +6, +6, 36 - 30 = 6। तो ये हमारी बनी इक्वेशन 3-3-, राइट। तो आप देखें 1- हमारी इक्वेशन थी ओरिजिनल 1-, इस इक्वेशन जब हम इक्वेट करने के लिए 1- को मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारी ओरिजिनल 1- नहीं है। यहाँ पे हमारी ओरिजिनल 1- कौन सी थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, दैट वाज दिस वन, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज के एंड पे, राइट, एट द एंड ऑफ स्टेज 1 वी गेट, हमारे पास 3 इक्वेशंस आई, कौन सी, जो 1- थी वो तो एज इट इज 3x1 + 2x2 + 3x3 = 18। 2-2- कौन सी आई हमारे पास इक्वेशन इस मेथड में एलिमिनेट करने के बाद, दिस -10x2 - 24x3 = -30। और 3- आई हमारे पास x2 + 3x3 = 6। अब देख सकते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन हुई है, x1 वाले जो वेरिएबल हैं वो दोनों यहाँ से कट हो चुके हैं, तो ये एक ट्राइंगुलराइजेशन हमारी हाफ हो चुकी है यहाँ पे, राइट। सो गाइज हमारी स्टेज 1 कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है स्टेज 2 की। स्टेज 1 में हम जो चाहते थे जैसे कि ट्रिक के अकॉर्डिंगली हमने वो कर लिया। स्टेज 1 में हमने x को एलिमिनेट करना था, हमारा x एलिमिनेट हो चुका है। तो नाउ इट्स द टर्न ऑफ स्टेज 2। तो स्टेज 2 में अब क्या करना है, स्टेज 2 में हम क्या करेंगे, x2 को एलिमिनेट करेंगे ओनली फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन में से x2 एलिमिनेट होगा, राइट, जैसे कि हमने ट्रिक में अभी बात की, एलिमिनेट x2 फ्रॉम इक्वेशन 3rd, राइट। तो दैट मींस अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3rd को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसको 2- लेंगे, मतलब एक बेस उसको अब लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट इक्वेशन को बेस लिया था, उससे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन की थी सॉल्व, एंड देन अब हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को बेस लेंगे। तो हमारी सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, अब हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो 3 इक्वेशन आई वहां से, वहां पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड, यहाँ पे पाइवटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मीन्स वेरिएबल के कोफिशिएंट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, -10x2 - 24x3 - 10x2
टू माइनस 24 एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस 30 राइट। तो अब ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन टू डैश, इसको डिनोट करेंगे टू डैश से राइट। अब हम क्या करेंगे टू डैश और लास्ट इक्वेशन में से हमने एलिमिनेट करना है, तो उस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेट इक्वेशन टू डैश एंड थर्ड टू गेट क्या मिल जाए, ताकि हमारे पास थ्री डैश आ जाए। ठीक है, तो थ्री डैश क्या करेंगे, अब हमारी टू डैश इक्वेशन है माइनस 10x2, यानी कि हमें जो थर्ड इक्वेशन है उसमें भी क्या चाहिए, माइनस 10x2। दैट मीन्स सिंपली इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10, ये इक्वेशन है राइट। तो क्या बनाइए, 10x2 प्लस 30x3 इज इक्वल टू 60, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड एंड टू डैश को हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं वेरिएबल सेम हो गए, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, तो बाय मेथड माइनस 10x2 माइनस 24x3 इज इक्वल टू माइनस 30, यहाँ पे 10x2 प्लस 30x3 इज इक्वल टू 60 सॉल्व। अब देखिए एक नेगेटिव है और एक क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपली ये कट। ओके, तो इट इज प्लस 6x3 इज इक्वल टू 30, तो दैट मीन्स यहां से हमारी x3 की वैल्यू आ सकती है 30/6, दैट इज 6 × 6 = 5, तो x3 हमारा क्या आया यहाँ पे 5। देखा लास्ट में स्टेज के एंड पे, सेकंड स्टेज के एंड में हमें x3 की वैल्यू मिल गई, वही हमारी ट्रिक थी। ठीक है, जब ये जैसे ये सेट है हमारा, इसमें से ये एलिमिनेट हुआ देन ये एलिमिनेट हुआ, तो लास्ट इक्वेशन में हमारे पास सीधी इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, तो वही हुआ हमारे पास x3 की वैल्यू इज इक्वल टू 5 हमें मिल गई। अब आई बारी किस चीज की, बैक सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें स्टेज टू के एंड पे जो इक्वेशन मिली है, तो राइट एट द एंड ऑफ स्टेज टू वी गेट, कौन सी मिली, 1 कौन सी थी, सिमिलरली 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 18, 2 कौन सी थी हमारी, माइनस 10x2 माइनस 24x3 इज इक्वल टू माइनस 30, एंड देन थर्ड कौन सी थी हमारी, 6x3, ये इक्वेशन थी ना थर्ड, 3 जो हमारे पास आई 6x3 इज इक्वल टू 30 राइट। अब देखेंगे यहाँ पे x1 इज एलिमिनेटेड, यहाँ पे x2 एलिमिनेट है, यहाँ से हम x3 की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट वॉज 5 राइट। तो अब आई बारी बैक सब्स्टिट्यूशन की, अब क्या है हमारा सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बिल्कुल एंड पे हैं हम, तो अब हम करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन राइट। तो बैक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमें पता है हमारे पास किसकी वैल्यू आई, थर्ड हमारे पास किसकी वैल्यू आई, x3 की, विच इज इक्वल टू 5 राइट। तो x3 की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x3 इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारी, माइनस 10x2 माइनस 24x3 इज इक्वल टू माइनस 30, यहाँ पे x3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस 10x2 माइनस 24 × 5 इज 120 इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 10x2 इज माइनस 30, ये उधर गया तो पॉजिटिव 120, तो इट बिकम्स 90, पॉजिटिव 90 राइट। तो माइनस 10x2, तो x2 की वैल्यू यहां से क्या आई, 90/-10 विच इज इक्वल टू -9, तो x2 की वैल्यू आई -9 राइट। नाउ पुट, अब हम x2 और x3 दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन
वन। अब देख रहे हैं बैक सब्सटीट्यूशन, मतलब पीछे से हम सब्सटीट्यूट करते आ रहे हैं। सबसे पहले लास्ट में हमें एक वैल्यू मिली, उसको सेकंड लास्ट इक्वेशन में हमने पुट किया तो एक वैल्यू मिली, देन दोनों को पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 18। तो 3x1 प्लस 2x2 था माइनस 9 प्लस 3x3 था 5 इक्वल टू 18, राइट। तो 3x1 प्लस 2 9's 18, दैट इज माइनस 18, माइनस 18 प्लस 15 इज इक्वल टू 8। तो 3x1 प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 18। तो 3x1 इज 18 प्लस 3 विच इज 21। तो 3x1, यहां से x1 की वैल्यू आई 21/3 विच इज इक्वल टू 7। तो x1 की वैल्यू आई हमारे पास 7। ओके, सो गाइज आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखें हमने किया क्या, यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट करके हमारी तीनों वेरिएबल्स की, दैट वाज x1 x2 एंड x3, तीनों की वैल्यूज हमने निकाल ली। x3 इज 5, x2 इज -9 एंड x1 इज आर 7, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये एग्जाम्स में अक्सर आता है, BCA के थर्ड ईयर में न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप प्लीज इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ट्रिक के साथ साथ आपको पूरा मेथड जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। अब ये ट्रिक थी जैसे हमारी गॉस एलिमिनेशन मेथड की, इसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया। तो आपको याद करने में इस मेथड को किस तरह से करना है, आपको ये ट्रिक बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्लीज गाइज मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल भी कीजिए। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज़।